वेलकम एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ यूनिट 4, मॉनिटर एंड डिस्प्ले एडेप्टर्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर प्लाज्मा डिस्प्ले। बिफोर गोइंग टू प्लाज्मा, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लाज्मा। इट इज अ गैस इंक्लूडिंग आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्लाज्मा क्या है? वो एक गैस है जिसमें आयन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। आयन्स है वो, आयन्स क्या चीज़ है? वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स तो पता है कि नेगेटिवली चार्ज होंगे, बट क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है हम यहाँ यूज़ करेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। यूज़ यानी हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। सो गैस नॉर्मली कौन से स्टेट में होते हैं? जिसमें अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इनर्ट गैस की कंडीशन में रहेंगे तो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर ऑर्बिट में ही घूमेंगे। इनर्ट यानी जिसके पास लास्ट, और ऐसे एटम्स जिसकी लास्ट ऑर्बिट में इनफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी जिससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेटिस्फाइड है, तो ऐसी जितनी जैसी भी गैसेस हैं उसको बोलेंगे हम इनर्ट गैसेस। और प्लाज्मा में हम इनर्ट गैसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो गैस इनिशियली अनचार्ज पार्टिकल से भरी रहती है नॉर्मल कंडीशंस में, लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन्स। बट जैसे ही उसमें कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, आफ्टर अप्लाइंग वोल्टेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हिट एटम्स क्रिएटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है, और ये जो साइड में दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को जब भी कुछ चार्ज मिला, कोई फॉर एग्जांपल सम इफ देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को कोई चार्ज मिला तो क्या होगा? वो इस पे बॉम्बार्ड होगा या फिर उसके जाके हिट करेगा। हिट होगा तो क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो साथ में क्या होगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी और साथ में लाइट जनरेट होगी, जिसको कहेंगे फोटोन। जो छोटी सी लाइट जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन हिट करेगा एटम को, इनर्ट गैस की एटम लाइक नियॉन एंड ज़ेनॉन, तो एक लाइट जनरेट होगी, उसको कहेंगे फोटोन। नॉर्मली ये लाइट का कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ अल्ट्रा वायलेट इन नेचर। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे एक या दो, तो पॉजिटिवली चार्ज या प्लस टू बनेगा या प्लस वन बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस वन चार्ज बनेगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो प्लस टू बनेगा। तो फोटॉन्स ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड विजिबल टू अस। नॉर्मली इनविजिबल होती है, लेकिन अगर कोई गैस है जिसके पास हमने कलर लगाया रखा है, कोई ऑर्गेनिक कलर रखा है, तो क्या होगा कि कलर वाली लाइट जनरेट होगी। सो लाइट इज प्रोड्यूस्ड, और या फिर लाइट रहेगी जो वाइट कलर की होगी, वो अगर देख सकेंगे तो देख पाएंगे, या तो फिर उसके लिए किसी कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोटॉन्स ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड दैट आर विजिबल टू अस, एंड नियॉन एंड ज़ेनॉन एटम्स आर यूज्ड। जो मैंने आगे बताया कि नियॉन और ज़ेनॉन जैसी इनर्ट गैसेस को यूज़ करेंगे जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, अल्ट्रा वायलेट इन नेचर होगी, और प्लाज्मा डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ फ्लोरोसेंट लाइट विच कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑन स्क्रीन। अल्ट्रा जो प्लाज्मा डिस्प्ले है उसकी बैक साइड में फ्लोरोसेंट लाइट होगी, जिससे कि इमेज जनरेट होगी कहाँ पर, आगे की स्क्रीन पर। अगेन यू कैन सी कि बाहर की जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो साथ में एक लाइट फोटोन जनरेट होगा। अ कोलिजन विथ अ मूविंग पार्टिकल एक्साइट्स द एटम, दिस कॉजेज एन इलेक्ट्रॉन टू जम्प टू अ हायर एनर्जी लेवल, द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल रिलीजिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटोन। यानी लूज होगा, हायर लेवल पे जाएगा और फिर वो वापस अपनी जगह पे भी आएगा, पर उस ड्यूरेशन में वो क्या रिलीज करेगा, एक लाइट फोटोन रिलीज करेगा, और ये जो लाइट फोटोन है यही हमारे काम आएगा इमेज जनरेट करने के लिए अपने प्लाज्मा डिस्प्ले पे। सो इट इज़ एन एरे ऑफ टाइनी गैस नियॉन सेल्स सैंडविच बिटवीन टू शीट्स ऑफ ग्लास।
ओके, दो शीट ऑफ ग्लास के बीच में हम एरे रखते हैं टाइनी गैस सेल्स का, नॉर्मली नियॉन गैस सेल आएगी. ईच सेल एक्ट्स एज मिनी फ्लोरोसेंट ट्यूब. ओके, ईच सेल कैसे एक्ट करेगा, मिनी फ्लोरोसेंट ट्यूब की तरह एक्ट करेगा और एमिटिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट विच देन स्ट्राइक्स रेड ग्रीन एंड ब्लू स्पॉट्स विच ग्लो टू बिल्ड अप अ पिक्चर. ओके, तो वही अल्ट्रा वायलेट लाइट जो हम नहीं देख सकते वो किससे स्ट्राइक होगी, रेड ग्रीन या ब्लू कलर के स्पॉट से, के फिल्टर रेड ग्रीन या ब्लू कलर का फिल्टर होगा उसको टच करेगा और एक स्पॉट क्रिएट होगा एंड दैट स्पॉट इज पिक्सेल, और वो पिक्सेल से हम पूरी पिक्चर जनरेट कर सकते हैं. समटाइम्स कॉल्ड एज थिन पैनल डिस्प्ले, प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, थिन पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं. एंड फ्लैट स्क्रीन नॉट कर्व्ड, 60 इंच साइज उसकी मिलती है मैक्सिमम. नाउ वर्किंग ऑफ प्लाज्मा, जैसे कि मैंने आगे बताया कि एक रियर प्लेट है और ये फ्रंट प्लेट है, ये दो रहेगी. उसके अलावा एड्रेस इलेक्ट्रोड, दिस इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक लेयर. और यहाँ पर क्या होगी, ये एक पिक्सेल है, रेड ग्रीन ब्लू को मिला के एक पिक्सेल है और एक फॉस्फरस कोटिंग रहेगी इसके ऊपर. फिर क्या होगा, और इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग रहेगा. ये तो हुआ उसका कंपोनेंट्स. तो एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इधर कि पिक्सेल किससे जनरेट हो रहा है, एक रेड ग्रीन और ब्लू इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, इस पर पिक्सल होगा, ये एक पिक्सल जनरेट करेगा. अब जब भी लाइट फॉल होगी यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे फोटॉन्स इस लेयर में से फोटोन रिलीज होंगे, नियॉन गैस में से फोटोन, नियॉन गैस में से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाएंगे, फोटोन रिलीज करेंगे, फोटोन इस पर टच करेगा, फिर वो इसको इस पर इससे टच होके यहाँ फॉल करेगा, और जब यहाँ फॉल करेगा तो पिक्सल जनरेट होगा. लाइक दिस योर सिंगल पिक्सल इज जनरेटेड एंड इन द सेम वे मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स आर जनरेटेड एंड होल पिक्चर इज फॉर्म. नाउ यू कैन सी हियर प्लाज्मा डिस्प्ले, इस कलर पे अल्ट्रावायलेट रेज फॉल होगी, जो कहाँ से, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, वो फोटोन रिलीज, फोटोन की जो एनर्जी है वो अल्ट्रावायलेट रेज के फॉर्म में होती है, वो इस पे फॉल होगी और ग्रीन रेड ब्लू कलर का पिक्सल जनरेट होगा. इसके अलावा यहाँ पे एक फॉस्फर लेयर है, फॉस्फर लेयर ही किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, फ्लोरोसेंस जो इफेक्ट है वो लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई ये जो ग्रीन ब्लू और रेड कलर का है वो फ्लोरोसेंट उसका नेचर है, और ये फॉस्फर मटेरियल का बना हुआ है. जब अल्ट्रावायलेट रेज इस पे फॉल होगी जो कि फोटोन से रिलीज होगी, और फोटोन कहाँ से रिलीज हुआ है, नियॉन गैस में से जो कि प्लाज्मा है, और फाइनली ग्रीन रेड और ब्लू कलर का पिक्सल जनरेट होगा. यू कैन सी अगेन इन दिस, यू कैन सी ब्लू फॉस्फर, ग्रीन फॉस्फर, रेड फॉस्फर. दिस इज रियर ग्लास प्लेट, फ्रंट ग्लास प्लेट, डाई इलेक्ट्रिक लेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड और एनोड का, ये इलेक्ट्रोड्स है उसकी क्या ज़रूरत है, तो हमें नेगेटिव एनर्जी पास करनी पड़ेगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, एटम एक्साइट होगा, एटम एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो क्या होगा, फोटोन जनरेट होंगे, और वो फोटोन यूवी लेयर पे, यूवी नेचर के होंगे जो इन कलर्ड फॉस्फर पे फॉल करेंगे, और अकॉर्डिंगली कलर्ड लाइट प्रोड्यूस होगी जो कि एक पिक्सल जनरेट करेगा. यू कैन सी गैस फिल्ड सेल्स एंड क्रिएटिंग वन पिक्सल. Advantages: the slimmest of all displays, very high contrast ratios, 1:200,000, weighs less and less and is less bulky than CRT, higher view angles compared to other displays, can be placed on walls, high clarity, very little motion blur due to high refresh rates and response time, has a lifespan of 100,000 hours. Disadvantages: cost is much higher compared to other displays, energy consumption is more, produces glares due to reflection,
These displays are not available in smaller size than 32 inches. यानी 32 इंच साइज बहुत मैक्सिमम स्मॉल साइज है, इससे बड़े ही मिलते हैं. थ्रू द प्लाज्मा डजंट दो द प्लाज्मा डजंट वे मच बट वैन ग्लास स्क्रीन इंक्लूडेड इट वेज मोर. कैनॉट बी यूज एट हायर एल्टीट्यूड्स बिकॉज प्रेशर बिटवीन एयर एंड गैस मे कॉज डैमेज. एरिया फ्लिकरिंग इज पॉसिबल. एंड हियर आर द रेफरेंसेस. आप इस रेफरेंस पे जाके आप देख सकते हो कैसे वर्क हो रहा है. एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. एंड थैंक यू वेरी मच. वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो. वी आर गोइंग टू कवर LED डिस्प्ले.